जुजुत्सु काइसन सीजन 2 एपिसोड 10 की शुरुआत में मेमे का भाई वुई वुई यूजी से पूछता है, क्या बात है यूजी? तभी यूजी बोलता है, नहीं मेरे कान, और कान में लगा वो डिवाइस। यूजी से बोलता है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो यूजी? ध्यान से सुनो। और यूजी तभी उस डिवाइस को जोर से पटक के हाथ में पकड़ता है कसकर, और तभी वो डिवाइस बोलता है, अरे थोड़ा सब्र कर यार, मैं तुम्हारे साइड हूँ इडियट। मैं क्यों तो जुजुत्सु हाई का मेका मारू हूँ? सुनो, समय नहीं है, मैं बस एक बार कहूंगा तो ध्यान से सुनना। गोजो सातोरु अब सील हो चुका है और वहां से सीन शिफ्ट होकर गोजो की तरफ जाता है। गेतो गोजो को बोलता है, गुड नाइट गोजो सातोरु, हम फिर से एक नई दुनिया में मिलेंगे। गोजो बोलता है, हाँ मैं मिलूंगा, ये समय है तुम्हारा उठ जाने का, तुम कब तक दूसरों के द्वारा मैनिपुलेट होते रहोगे सुगुरु? गोजो की बात सुनकर गेतो का हाथ रिएक्ट करता है और खुद के यानी कि केंजाको के गले को पकड़कर चोक करने लगता है। अब केंजाको खुद को संभालते हुए हंसते हुए बोलता है, ये तो काफी इंप्रेसिव है और ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है। तभी वहां पर माहितो आ जाता है और गेतो उसको बोलता है, माहितो देखो तुम कह रहे थे ना सोल बॉडी से पहले आती है, लेकिन मैं अभी भी यकीन करता हूँ कि सोल और बॉडी एक साथ एक ही समय पे एग्जिस्ट करते हैं, नहीं तो इस फेनोमेनन को कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। मेरे इस बॉडी को स्विच करने के बाद भी मेरे पास बॉडी की मेमोरीज हैं। माहितो बोलता है, क्या उसको एक होना होगा? हमारा कर्स टेक्निक वर्ल्ड तो अलग है ना? तभी अचानक गोजो उनकी बकबक सुनकर बोर होकर बोलता है, ओए अगर तुम्हें ये करना है तो फिर जल्दी करो, मुझे गर्मी लग रही है और मैं इसमें अगली दिख रहा हूँ। गेतो बोलता है, मैं कुछ समय लेकर इसको एंजॉय करना चाहता था, लेकिन तुम सही हो, अगर कुछ गलत होता है तो फिर काफी मुसीबत आ सकती है। तभी गेतो बोलता है, गेट क्लोज, और अब प्रिजन रियल में गोजो आखिरकार सील हो जाता है और वो प्रिजन रियल गेतो के हाथ में आकर रुकता है। तभी माहितो पूछता है, क्या इसको और इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा? गेतो बोलता है, हाँ ये सिर्फ एक ही शख्स को कैद कर सकता है, और अगर उसने खुद को इसके अंदर नहीं मारा तो फिर इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा दोबारा। माहितो बोलता है, कितना बोरिंग है। गेतो बोलता है, अब सील कंप्लीट हो गया। अब सीन यूजी टीम के पास जाता है और मेमे मेकामारू से पूछती है, तुम गोजो सातोरु के बारे में बात कर रहे हो ना, तो फिर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है हमें कन्विंस करने के लिए? मेकामारू बोलता है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मेरा यहाँ पे होना ही इसका प्रूफ है। अक्टूबर 19 में मैं माहितो नाम का एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट के द्वारा मारा गया, और अभी जो मैं हूँ वो बस कुछ नहीं, मेरे मरने से पहले का एक इंश्योरेंस था जो मैं छोड़ गया था, और ये सबसे हाई लेवल का इंश्योरेंस है। मैंने इसके एक्टिवेट होने का कंडीशन गोजो सातोरु के सील होने के बाद रखा था, और इसके फेल होने के चांसेस को कम करने के लिए मैं एडवांस में 3 जगह पर इन पॉपेट्स को सेटअप किया था। जुजुत्सु सॉर्सरर हाई स्कूल में यूजी इतादोरी के गद्दार होने के चांसेस लो हैं, और मैं इस सिचुएशन में मैं उनकी इनोसेंस को कंफर्म कर सकता हूँ। मेमे जब रीजन क्यों पूछती है तब मेकामारू बोलता है कि आप दुश्मनों को ढूंढने में सिबुया में काफी अच्छा कर रही हो और कोई काम चोरी छिपे नहीं कर रही हो, पर आप मेजी जिंगू में डिप्लॉय हुई थी और इतादोरी को जुजुत्सु हाई में जुड़े हुए कुछ ही महीने हुए हैं। तभी मेमे अपने स्टाइल में बोलती है, ऐसा होना जरूरी नहीं है और मैं प्रिटेंड कर सकती हूँ, और यूजी सिबुया आना चाहता था जल्दबाजी में और मैं ही हूँ जो अब तक उसको रोक के रखी थी, जबकि हायर ऑफ्स ने हमें कहा था स्टैंड बाय पर रहो। ये सुनकर मेकामारू बोलता है, तो फिर कर्स यूजर्स तुम्हें मारने क्यों आ रहे हैं? फिर मेमे और यूजी उस तरफ देखने लगते हैं। मेमे बोलती है, टोटल 2 हैं, और यूजी से पूछती है, पहले जब तुम उस कर्स स्पिरिट से लड़े थे अब कौन स्ट्रांग लग रहा है तुम्हें? यूजी बोलता है, वो शायद उस टिड्डे से ज्यादा ताकतवर है। और मेमे सोचती है, इतादोरी ने जिसको एक्सरसाइज किया था वो इंसानी भाषा बोल पा रहा था, वो शायद सेमी फर्स्ट ग्रेड का कर्स स्पिरिट तो होगा ही, और यहाँ इस तरह की कर्स स्पिरिट्स घूम रहे हैं। मुझे क्यूरियोसिटी ये है कि वो अभी तक कहाँ छुपे थे। फिर मेमे बोलती है, कर्स यूजर्स के बारे में भूल जाओ और अभी यहाँ से चलो, हमें गोजो की सेफ्टी को पहले ध्यान रखना होगा। मेकामारू बोलता है, नहीं सिबुया की हालत ऑलरेडी चेंज हो चुकी है और दुश्मनों की बैरियर टेक्निक हमसे कई ज्यादा स्ट्रांग है। अभी सिबुया में 4 कर्टेन को लगाया गया है, ए जो लोगों को ट्रैप किया हुआ है, बी जो गोजो सातोरु को ट्रैप किया हुआ है, सी जो जुजुत्सु सॉर्सरर्स को अंदर आने नहीं दे रहा, और डी वहां फिर से आम लोगों को कैद किया गया है। तभी हुई हुई मेकामारू से पूछता है, तो फिर क्या इस रेलवे ट्रैक के फ्रंट में कर्टेन सी को लगाया गया है? और मेकामारू हाँ में जवाब देता है और बोलता है, जो जुजुत्सु सॉर्सरर्स वहाँ पहले गए हैं वो शायद कर्टन के अंदर हैं, मोबाइल फोन्स कर्टन के अंदर काम नहीं करती। मेमे बोलती है, ये उससे ज्यादा लग रहा है, मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को कांटेक्ट नहीं कर पा रही जो कि कर्टन के बाहर हैं। मेकामारू बोलता है, मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, ये इंश्योरेंस जिसको मैंने सेटअप किया है ये कुछ ही समय के बाद डिसअपीयर हो जाएगा, तो प्लीज। और मेकामारू की बात को यूजी और मेमे मान जाते हैं। मेकामारू बोलता है, यूजी मेजी जिंगू की तरफ जाएगा और ग्राउंड से होते हुए सिबुया की तरफ जाकर सभी सॉर्सरर्स को गोजो सातोरु के सील होने के बारे में इन्फॉर्म करेगा और मेमे यूजी को आसानी से जाने के लिए मदद करेगी। तभी मेमे बोलती है, मुझे लगता है तुम्हारा अकाउंट फ्रीज हो गया होगा, है ना? और ये उसकी हमेशा की तरह पंच लाइन थी। मेकामारू सोचता है, अगर गोजो नहीं रहा तो फिर इंसानी और जुजुत्सु की दुनिया में काफी बड़ा चेंज आएगा, सबको सॉरी, लेकिन मैं इसमें तुम्हें तुम्हारी जान की कीमत मांगूंगा। फिर मेकामारू मीवा को याद करके सोचता है, मुझे पहले लगता था ये बड़ा बदलाव उतना कुछ मायने नहीं रखता, पर मैं काफी गलत था। तभी वुई वुई पूछता है, मैं क्या करूँ?
तुम्हारी मर्जी, जिसके साथ जाना है जाओ। फिर वो तीनों तैयार हो जाते हैं और वहाँ पे दुश्मन आता है। फिर हमें B5F पर सभी विलेंस को दिखाया जाता है। गेतो बोलता है तो फिर सभी लोग आ गए तो नेक्स्ट हमें, और ये बोला था कि नहीं, वो प्रिजन रियल्म अचानक बहुत भारी होकर उसके हाथ से धड़ाम करके नीचे गिरता है और ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और गेतो बोलता है क्या मॉन्स्टर है, मुझे यकीन ही नहीं होता। फिर हमें प्रिजन रियल्म का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ गोजो स्टाइल से सोया हुआ था और बोल रहा था तो फिर यहाँ टाइम फिजिकली गुजरती नहीं है और मैं काफी बोर हो रहा हूँ, पर एक रास्ता जरूर होगा, मुझे तुम सब पर भरोसा है। वहां से सीन शिफ्ट होकर हमें कुसाकावे और पांडा को दिखाया जाता है। कुसाकावे बोलता है स्टेशन के अंदर ट्रैप हुए लोगों को छोड़कर यहाँ काफी कम लोग हैं। फिर हमें नाओबितो जेनिन को दिखाया जाता है जो बोल रहा था तो बिल्डिंग्स में जो है वो भी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस हैं और लोगों को अटैक कर रहे हैं। फिर हम नानामी को देखते हैं जो बोलता है हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें तैयार होना होगा, हमारा रिस्पांस काफी स्लो है लेकिन जो चीज मुझे सता रही है। तभी मेगुमी बोलता है जो कर्टन सॉर्सरर्स को रोकता है सेम टाइम में लगाया गया, गोजो सेंसेई को वहां जाते हुए कुछ समय हो गया है, उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम ही क्यों चुना। नानामी बोलता है जरूर अंदर कुछ हुआ है या फिर कोई स्ट्रेटेजी जो वो लोग उस समय अपना रहे थे, पर एक बात तो श्योर है दुश्मन कोई मामूली नहीं है। फिर नानामी वहां से जाते हुए बोलता है मैं उनसे लड़ूंगा जिन्होंने कर्टन लगाया है, तुम आम लोगों की रक्षा करना। फिर नानामी के टीम के साथ बाकी दो टीम एक साथ उस कर्टन के अंदर एंटर होते हैं। वहां से सीन शिफ्ट होकर हमें कियोता का इजीची को दिखाया जाता है जो कि फोन पर किसी हायर ऑफ से बात कर रहा था। वो बोल रहा था सिचुएशन को देखते हुए मिस नीता कर्टन के बाहर आ जाएंगी, जैसे कि सिग्नल अंदर नहीं आ रही तो फिर किसी को तो बाहर रहना पड़ेगा और हमें एक कम्युनिकेशन नेटवर्क सेटअप करना होगा। वो ये सब बात कर रहा था तभी पागल कर्स यूजर हारुता उसको पीछे से आके बार बार स्टैब करके मार देता है और बोलता है मैं कमजोरों को बुली करने में माहिर हूँ, है ना, और इससे तो सेटिस्फेक्शन जरूर मिली होगी। उराओ में बोलता है हाँ तुम कर्टन के बाहर रहकर इंसानों को मार सकते हो ऐसे ही। हारुता बोलता है जब मेरा खत्म हो जाए तो फिर मैं अंदर जा सकता हूँ। फिर सीन गेतो की टोली पर शिफ्ट होता है और उनको मेकामारू का पॉपेट देख रहा था। माही तो बोलता है क्या चल रहा है, गेतो बोलता है सील कंप्लीट हो चुका है लेकिन प्रिजन रियल में गोजो के ऊपर इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसको हम अभी यहाँ से हटा नहीं सकते। तभी माहितो मेकामारू पपेट को नोटिस करता है और उसको तबाह कर देता है। फिर हमें यूजी को दिखाया जाता है और उसको मेकामारू इसी न्यूज को देता है और फिर बोलता है हमें उनको घेरना होगा आसपास के स्टेशन से होकर बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन से। यूजी बोलता है तुम मुझे कह रहे हो पर मैं तो ईजीची को कांटेक्ट नहीं कर सकता। फिर आगे चलकर यूजी उस कर्टन के अंदर घुस जाता है और वहाँ ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस और आम इंसानों को देखता है। उधर यूजी कुछ ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को लड़ाई में निपटा कर एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और नानामी का नाम लेकर पुकारता है और उसको दूसरे भी सुन पाते हैं। फिर यूजी बताता है कि गोजो सील हो चुका है। यूजी की बात सुनकर नानामी प्लान चेंज कर देता है और यूजी से मिलने उसके टीम के साथ जाता है। वहां से फिर हमें गेतो टोली को दिखाया जाता है और माहितो बोल रहा था हम तो एक्सपोज हो गए, जुजुत्सु सॉर्सरर्स कभी भी यहाँ पे फुल फोर्स के साथ अटैक करेंगे। गेतो बोलता है मैं तो यहाँ रहूंगा, तुम लोगों का क्या प्लान है। जोजो बोलता है मैं यूजी और नोबारा को मारूंगा जिन्होंने मेरे भाइयों को मारा था, फिर मैं अपने दूसरे भाइयों को लाऊंगा जो जुजुत्सु हाई में कैद हैं। तभी जोगो बोलता है मुझे पता नहीं ये नोबारा कौन है लेकिन तुम यूजी को छू नहीं सकते क्योंकि हमें उसको सुकुना में बदलना है। जोजो बोलता है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। फिर उन दोनों में फेस टू फेस हो जाता है। माहितो बोलता है जोगो शांत हो जाओ, फिर बोलता है मैं भी यूजी को मारना चाहता हूँ। गोजो सातोरू के सील हो जाने के बाद अब हम कर्स स्पिरिट और जुजुत्सु सॉर्सरर्स के बीच का मामला अब बैलेंस है, अगर सुकुना वापस आता है तो फिर हमें एडवांटेजेस है, फिर हम जरूर जीतेंगे। गेतो बोलता है हाँ सही कहा, हमारे अभी के स्ट्रेंथ के हिसाब से हम चाहे तो अभी भी जीत सकते हैं। तभी माहितो स्माइल करते हुए बोलता है तो फिर यूजी इतादोरी को चलो मारते हैं। जोगो बोलता है क्या तुम सीरियस हो, माहितो बोलता है हाँ सुपर सीरियस हूँ। जोगो बोलता है सुकुना हम में से एक नहीं है, उसके जाग जाने के बाद शायद हमें और रिस्क लेना होगा, पर अगर सुकुना जागता है तब कर्स स्पिरिट्स का ट्रू एरा शुरू होगा, हम इंसानों से अलग हैं और हम मौत से नहीं डरते और अपनी मंजिल को पाने के लिए निरंतर चलते रहते हैं और यही सच्चे कर्स की पहचान होती है। माहितो बोलता है हम कर्सेस अपनी इच्छा से सब कुछ करते हैं और मुझे तुमसे और आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं, चलो क्यों ना एक गेम खेले, अगर मैं इतादोरी से पहले मिला तो फिर मैं उसे मारूंगा, अगर तुम उससे मिले तो फिर तुम उसको फिंगर्स खिला देना सुकुना की पावर रिस्टोर करने के लिए। जोजो बोलता है अगर मैं उससे पहले मिला तो क्या मैं उसे मार सकता हूँ। माहितो बोलता है ऑफ कोर्स। फिर माहितो गेतो से पूछता है तुम तो जोगो को सपोर्ट कर रहे होगे है ना, क्या तुम हमको ज्वाइन करोगे। गेतो बोलता है मुझे प्रिजन रियल्म की निगरानी करनी है, मैं इस बार ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें जो करना है करो, सुकुना तो मेरे बैकअप प्लान का हिस्सा है अगर प्रिजन रियल्म फेल होता है तो। जोगो बोलता है क्या बकवास है, इतादोरी के साथ बाकी सॉर्सरर्स यहाँ आ रहे हैं, हम उनका इंतजार कर सकते हैं, ये क्या गेम वेम। तभी माहितो और चोजो यूजी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे जोगो भी चला जाता है। अब गेतो अकेला खड़ा था और बोलता है ये कर्स स्पिरिट्स तुम लोगों से स्मार्ट हैं। तभी अनकॉन्शियस लोगों की भीड़ में गेतो के पुराने स्टूडेंट्स बोलते हैं हमें
वो बॉडी वापस दो, हमने तुम्हारी काफी हेल्प की है और काफी मंकीज को निपटाया है, अब तुम अपनी प्रॉमिस को रखो, हम तुम्हें गेतो सामा की बॉडी से खेलने नहीं देंगे। गेतो बोलता है, मैं तुमको ये कैसे दे सकता हूँ, मुझे तो कहीं याद नहीं मैंने तुम्हारा ब्रेन बाहर निकाला था। नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी सॉर्सरर्स के साथ डील करो तो बाइंडिंग भाव करना मत भूलना, अब दफा हो जाओ, या फिर तुम चाहते हो कि मैं इस बॉडी में रहते हुए तुम लोगों को मारूं, फिर वो दो लड़की तुम्हें पछतावा होगा। ये बोलकर वहां से चले जाते हैं। गेतो वहां बैठ जाता है और बोलता है, पछतावा ये कैसा फील होता है। फिर वहां से सीन शिफ्ट होकर यूजी को दिखाया जाता है जो अभी भी नानामी को चिल्लाकर बुला रहा था। मेगुमी के एक कराटे चॉप के साथ उसको होश आता है। फिर मेकामारू नानामी और बाकी सबको स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट्स और उनका लीडर सुगुरु गेतो जो कि कंट्रोल हो रहा है इस बारे में न्यूज देता है। फिर नानामी बोलता है, तो इस केस में पास के स्टेशन से अटैक करना बेहतर ऑप्शन ही है, पर उसको करने के लिए हमें पहले कटन को हटाना होगा, हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। फिर नानामी बाकी सबको बोलता है, कुछ रिक्वेस्ट ग्रेड वन सॉर्सरर के द्वारा सबमिट की जाती है, मैं इजीजी के साथ जाकर उन चीजों को पहले डील करूंगा, तो तब तक तुम लोग सॉर्सरर एंट्री बैन को लिफ्ट कर देना। फिर इनो को बोलता है, कुसाकाबे और जेनिन इसी कटन में तुम्हें अगर मिलते हैं तो फिर उनको करंट सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्मेशन देना और उनसे हेल्प लेना। इसके बाद नानामी वहां से चला जाता है। इनो बोलता है, गोजो सातोरू के जाने के बाद दो ट्रबल्स क्रिएट होते हैं जो कि है गोजो फैमिली का पतन। गोजो फैमिली गोजो पर डिपेंड करती थी और गोजो की वजह से कई सॉर्सरर्स जिंदा बचे हैं और यूजी तुम भी उनमें से हो ना। और दूसरी चीज है पावर बैलेंस का बिगड़ना, अब सारे कर्स यूजर्स और स्पिरिट्स एक साथ टूट पड़ने की कोशिश करेंगे, अगर हम हारे तो। मेगुमी बोलता है, एटलीस्ट जापान में इंसानियत को खतरा है। इनो बोलता है, तो फिर तुम क्लियर हो गए, तो मेरे जूनियर्स चलो चले नानामी के आने से पहले कटन को हटाएं और गोजो सातोरू को रेस्क्यू करें। लास्ट सीन में हम एक बुढ़िया को देखते हैं जो बोल रहा था, आवासाका क्या तुमने सुना, गोजो सातोरू अब सील हो चुका है और ये खबर दुश्मनों को पता भी चल चुका है। तभी वो आदमी बोलता है, क्या ये सही नहीं है ओगामी दादी, मैं एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, ये देश क्या बनने वाला है। तभी वो दादी बोलती है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो लोग दूसरों को कर्स करेंगे और दूसरे उनको कर्स करेंगे और फिर वो मरेंगे, और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो गाइज आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं, और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे टाइम देने के लिए आपका शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।